हेलो बच्चों, देखिए आज की क्लास में हम पीएच मान के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1×10⁻¹० है, 1×10⁻¹० है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें तथा विलयन की प्रकृति भी बताएं। तो बच्चे देखिए, आपके अगर आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया, लॉग के सभी फॉर्मूले आपको साइड में दिख रहे होंगे, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, log m into n, log m plus log n, log m बटे n, log m minus log n, log 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। तो सबसे पहले बच्चे देखिए, हम लोगों को पता है जो pH होता है वो क्या होता है, माइनस log 10 बेस पे और H पर, यानी हाइड्रोजन आयन हमें पता होता है। और यहाँ पर दिया हाइड्रोक्साइड ऋणायन, तो हमें हाइड्रोजन आयन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, जल के आयनिक गुणनफल के सूत्र से। तो जल का जो बच्चे आयनिक गुणनफल होता है, क्या होता है बच्चे, आयनिक गुणनफल जो होता है जल का वो क्या होता है बच्चे देखिए, H धनायन और OH ऋणायन, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चे वो क्या कितना होता है, 1×10⁻¹ होता है। कितना होता है, 1×10⁻¹। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो H धनायन गुणा OH ऋणायन इज इक्वल टू 1×10⁻¹ होता है। तो आपको दिया गया है हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन का वैल्यू आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो आप यहाँ से निकालेंगे एच धनायन। तो बच्चे देखिए, ये 1×10⁻¹ और ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा कितना, OH आयन, और इसका मान कितना दिया गया है, 1×10⁻¹। इसको आप बच्चे ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए 10⁻¹ और 10⁻⁻ जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे, आपको एच प्लस कितना मिल जाएगा, 10⁻⁴ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10⁻⁴। अब हाइड्रोजन आयन आपको मिल गया है, फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, क्या होता है बच्चे, कि एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो एच प्लस की वैल्यू कितनी बच्चे देखिए, 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻ में क्या, माइनस का पीएच। कंपेयर कर देंगे चूंकि आधार समान है इनके, तो घातों की तुलना कर देंगे, तो बच्चे पीएच हमें कितना मिल जाएगा, देखिए पीएच मिल जाएगा आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अब देखिए पीएच मान चुकी 4 है, यानी जो पीएच आपका आया है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो क्या आया है, 4, यानी कि ये 7 से कैसा है बच्चे, कम है। 7 से कैसा है, कम है। और आपने पढ़ा है कि पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान कितना है बच्चे, 4 आया है। तो इसका विलयन की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसका विलयन का जो पीएच मान आया वो 7 से कम आया है। बच्चे देख लीजिए फिर से एक बार, हाइड्रोजन आयन आपको दिया गया था, जल के आयनिक गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन का मान निकालेंगे, क्या होता है गुणनफल, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1×10⁻¹। ये जल का आयनिक गुणनफल होता है। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, और 4 7 से कम है, और पीएच मान अगर 7 से कम होता है इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।